कोई आदमी टू व्हीलर थ्री व्हीलर फोर व्हीलर लेकर सिटी में घूमना नहीं चाहिए। अगर वो उसे घूमेंगे तो उसके ऊपर हम उनकी गाड़ी जब्त कर लीगली एक्शन लेने वाले हैं। तो कृपया उम्रा वालों को मैं अपील करता हूँ, कोई आदमी बिना कारण टू व्हीलर थ्री व्हीलर फोर व्हीलर लेकर घर से बाहर निकले मत निकले, अगर निकल जाएंगे तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की। उनकी तरफ से ऑर्डर आया है कि कोई भी टू व्हीलर फोर व्हीलर बिना कारण रस्ते पे नहीं आएगा, इसलिए पूरी कार्रवाई अभी शुरू है। आज के दिन पूरी इनको पूर्व को बताया दिया है, अभी अनाउंस भी कर रहे हैं हमारे मुमरा पुलिस स्टेशन की गाड़ी, और अभी ये जो बाहर आएंगे उसकी खाली पहले आज का पहला दिन है, इसलिए पूरा हवा निकल के छोड़ेंगे और कल से पूरे टू व्हीलर और फोर व्हीलर वालों पर गुनाह दाखिल किया जाएगा। डॉक्टर लॉकडाउन छोड़कर निकल जा रहे हैं बिना माने पुलिस की और प्रशासन सख्त हो गया, गाड़ियाँ जमा करनी जा रही है। ये वार्निंग है मुमरा वालों के लिए, देख सकते हैं आप मेरे पीछे सारी गाड़ियाँ इन्होंने जब्त कर ली और वो मुमरा के आवाम से अपील करेंगे। सर क्या आप कहना चाहेंगे? कोरोना वायरस बढ़ने से पूरा मुमरा सिटी पूरा इंडिया लॉकडाउन किया है, आपसे हमारे माननीय कलेक्टर साहब का ऑर्डर है, उसके मुताबिक कोई आदमी इमरजेंसी छोड़कर कोई आदमी टू व्हीलर थ्री व्हीलर फोर व्हीलर लेकर सिटी में घूमना नहीं चाहिए। अगर वो उसमें घूमेंगे तो उसके ऊपर हम उनकी गाड़ी जब्त कर लीगली एक्शन लेने वाले हैं। तो कृपया उम्रा वालों को मैं अपील करता हूँ, कोई आदमी बिना कारण टू व्हीलर थ्री व्हीलर फोर व्हीलर लेकर घर से बाहर निकले मत निकले, अगर निकल जाएंगे तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की। अभी आपने गाड़ियाँ जब्त कर ली है सर, तो इनकी गाड़ियाँ मिलेंगी या उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा, उसके बाद उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। तो जिस तरह से आपने देखा कि वड़क्कर साहब का कहना है कि जितनी भी गाड़ियां हैं ज़रूरत के बगैर आप अगर बाहर निकलते हो घर से तो जब्त कर ली जाएंगी, और इसकी ये कोई खाली खुली बात नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने गाड़ियाँ जब्त की है और ज़रूरत के अलावा जेन्युइन रीज़न के अलावा बाहर ना निकले होती जा रही। यहाँ पर भी दिखाई आ रही है, यहाँ पर भी सख्ती बरती जा रही, गाड़ियों को रुकाया जा रहा है यहाँ पर। तो अब जो गाड़ियाँ लेकर उतर निकल रहे हैं तो उनसे यही कहना है हमारा कि बड़ा मेहरबानी, कोई भी व्हीकल टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो लेकर ना निकले आप बाहर, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस जब्त कर ले। ये कार्रवाई मुमरा में चलती है, बहुत बहुत शुक्रिया। फला मस्जिद के पास में उसी तरह कार्रवाई हो रही है, यहाँ पर शिमला पार्क के पास में देख सकते हैं आप, पीछे रशीद कंपाउंड है, ये रास्ता जाता है जामा मस्जिद की तरफ और ये शिमला पार्क के अंदर की तरफ। वजह ये है आज नरमी से, आज बहुत नरमी बरत रही है पुलिस, कम से कम वो हवा निकाल कर भेज रहे हैं अब की बार, लेकिन अगली बार है कि आपकी गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी और शायद हो सकता है कि लॉकडाउन तक आपको आपकी गाड़ियां ना मिले, इसलिए बेहतर यही है कि अगर आपको अपनी गाड़ियां घर पर अपने पास रखनी है तो कोशिश करें कि जेन्युइन रीजन के बगैर आप गाड़ियों के जरिए बाहर ना निकले। और जिस तरह से हमने प्रशासन के कुछ लोगों से बात की तो उनका कहना है कि परेशान हो गए हम लोगों को समझा कर और आखिरकार ये कदम उठाना पड़ा है, क्योंकि अगर पुलिस कहीं किसी पर डंडा चला देती है तो लोग कहते हैं कि पुलिस ने मारा, मोहब्बत से समझाती है तो लोगों की समझ में नहीं आता। तो आज यही काम है कि जरा कुछ थोड़ा गाड़ियों की हवा निकाल कर छोड़ा जा रहा है तो कुछ समझ में आए, और एक लोगों को ये समझ में आना चाहिए, प्रशासन रिक्वेस्ट करता है। और अभी गाड़ी गई है अंदर प्रशासन की तरफ से, उन्होंने अनाउंस किया है कि बराए मेहरबानी आप लोग गाड़ियां लेकर बाहर ना निकले, जब्त कर ली जाएंगी, इसके बाद भी अगर आपकी गाड़ियां निकलती है बाहर तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो जिस तरह से सर यहां पे कार्रवाई हो रही है, यहां पर आपने जंक्शन लगाया है चेकना का, सर गाड़ियां ली जा रही हैं या सिर्फ अभी हवा निकाल कर छोड़ रहे हैं? अभी क्या है कि माननीय जिलाधिकारी थाने उनकी तरफ से ऑर्डर आया है कि कोई भी टू व्हीलर फोर व्हीलर बिना कारण रस्ते पे नहीं आएगा, इसलिए पूरी कार्रवाई अभी शुरू है। आज के दिन पूरी इनको पूर्व को बताया दिया है, अभी अनाउंस भी कर रहे हैं हमारे मुमरा पुलिस स्टेशन की गाड़ी, और अभी ये जो जो बाहर आएंगे उसकी खाली पहले आज का पहला दिन है, इसलिए पूरा हवा निकल के छोड़ेंगे और कल से पूरे टू व्हीलर और फोर व्हीलर वालों पर गुनाह दाखिल किया जाएगा। अभी क्या है कि मुमरा में हालत बदलते जा रहे हैं, इसलिए ये कार्रवाई अभी स्ट्रिक्ट कर ली है। तो अभी ये पूरे लोगों को समझ में आना चाहिए कि बाबा कृपा करके हम बोलेंगे कि बाबा घर पर बैठो, कि प्रशासन ने आपसे रिक्वेस्ट की है कि बराए मेहरबानी आप घर से ना निकलिए, आज सिर्फ आपको टायर की हवा निकाल कर भेजा गया आपके टू व्हीलर या फोर व्हीलर की, कल से आप पर गुनाह दाखिल किया जाएगा। तो इससे बेहतर है, केस करने से बेहतर है आप घर में रहिए, और यही हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने चैनल की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, कैमरामैन आदिल खान के साथ आदिल खान, नजर इंडिया न्यूज।